हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और मैं पेरिस सिटी से हूँ। बेसिकली आपसे कोरोना वायरस के बारे में बात करना चाहता हूँ। फ्रांस में अब तक 562 मौतें हो चुकी हैं और 15,000 से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अगर बात इटली की करी जाए तो आप जानते ही हैं, 50,000 से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 5,000 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं, विच इज मैसिव। यू नो दे हैव इवन क्रॉस्ड चाइना। क्या आप इस बात को सीरियसली ले सकते हैं इंडिया में बैठे हुए लोग? क्योंकि आपको कोई लड़ने के लिए नहीं कह रहा है, कोई हथियार उठा के दूसरे को मारने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ अपने घर बैठे और घर बैठ के ही इस चीज का सामना करें। यानी कि आप प्लीज प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, घर बैठे, घर से बाहर ना जाएं, किसी को घर के अंदर भी ना आने दें। सिर्फ एक आदमी हफ्ते में एक बार ग्रोसरी लेने जाए या फार्मेसी जाए या केमिस्ट के जाए, जो भी है, रिस्ट्रिक्टेड आप बाहर जाएं और आते ही अच्छी तरह हाथ धोएं, किसी चीज को हाथ ना लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें। यही है इसका इलाज। इसका आज तक कोई इलाज नहीं निकला। सिर्फ जिन लोगों को कुछ पेन्स हैं, वो डोली प्रान, जिसको हम पैरासिटामोल कहते हैं इंडिया में, वो ले सकते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है फिलहाल। सो इसका अगर आपको लड़ना है, आप घर पे बैठे, कहीं और ना जाएं। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी भी मैंने देखा कि 5 मिनट के लिए जो पीएम मोदी ने कहा कि सारे मेडिकल स्टाफ को अप्लॉज करेंगे, सबने किया, वेरी गुड। लेकिन उसके बाद मैं न्यूज में देख रहा हूँ और इंडिया से वीडियोज आ रही हैं कि लोग सड़क पे उतर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, जैसे उन्होंने कोरोना वायरस को लड़के इंडिया से बाहर निकाल दिया। यार, आपके पास अभी भी चांस है, डोंट बी स्टूपिड। अभी भी आप लोगों के पास चांस है, इतने केसेस नहीं हुए हैं। अगर इतने केसेस फ्रांस और इटली की तरह हो गए और 100 की तादाद में लोग एवरी डे एवरी मिनट मर रहे हैं, अगर आप वो इंडिया में शुरू हो गया तो आप सोचें, इंडिया के पास तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, इतने बेड्स नहीं है, इतने ग्लव्स नहीं है, इतने मास्क नहीं है, इतने सैनिटाइजर्स नहीं है, यहां पर भी उस चीज की शॉर्टेज शुरू हो गई है। तो इमेजिन करें, अगर वर्ल्ड की थर्ड या फोर्थ रिचेस्ट कंट्री में अगर ऐसा हो सकता है तो इंडिया का क्या हाल होगा। प्लीज यार, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने घर में बैठे और बिहेव सेंसिबल। यार, आपको इंडिया को आगे लेके जाना है, पीछे नहीं लेके आना है। तो मेरी आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट है, घर बैठे, स्टे होम, बी सेफ and fight coronavirus like this. And I would like to thank all the listeners of Chandigarh News to listen and give me this opportunity to convey my message to you guys. Thank you and bye-bye from Kunal from Paris. Bye-bye.